हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे विंडोज में सब फ्लक्चुएट करता है जब लॉगिन पासवर्ड हम ओपन डाल के इंटर करके जब हम ओपन करते हैं तो फ्लक्चुएट ऐसे करता है। अगर ऐसा फ्लक्चुएट करता हो तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि हम विंडोज़ को फॉर्मेट कर दें। तो पहले हम अपना डेटा लेते हैं और शुरू करते हैं। हम फर्स्ट हम यूएसबी पेन ड्राइव, जो बूटेबल पेन ड्राइव होती है, वो कनेक्ट करते हैं, यूएसबी में लगाते हैं और पावर ऑन करते हैं। और बूट की जो होती है लेनोवो में 12 होती है, F12, उसको हम कंटिन्यू पुश करते रहते हैं जब तक हमारा बूट मेनू ओपन ना हो जाए। तो हमारा बूट मेनू ओपन हो गया है, जो हमारा पेन ड्राइव है, यूएसबी HDD, उसको हम सिलेक्ट करके माउस से क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट हम विंडोज इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है, कुछ टाइम लेता है, तकरीबन 5 सेकंड या 20 सेकंड तक कुछ टाइम लेगा। उसके बाद सर्चिंग करना शुरू कर देगा और फर्स्ट हमारा ऑप्शन आता है विंडोज़ का, जिसमें हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं। हमारा कंट्री है इंडिया, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके इंडिया सेलेक्ट करके उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट होने के बाद फिर से पूछता है इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन, हम इंस्टॉल नाउ क्लिक करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। मैं टर्म एंड कंडीशन के लिए पूछता है, हम एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट होने के बाद हमें यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आता है और दूसरा कस्टम का आता है, हमें कस्टम सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और हम डेटा बैकअप ले लेते हैं अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पूरे ड्राइव को डिलीट करना होगा, तो हम डेटा बैकअप ले लेते हैं और उसके बाद हम फॉर्मेट करेंगे। तो एक एक करके हम हर एक फोल्ड फाइल को डिलीट करेंगे, जो भी हमने पार्टीशन बनाए हैं सबको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद सारे आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो चलिए डिलीट करते हैं एक एक करके। और सबसे सिंपल फंडा यही होता है इस प्रॉब्लम के लिए। अब ब्लू डम भी आता है तो उसके लिए वही बेस्ट है, तो डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो हम 300 GB का विंडोज़ के लिए बनाते हैं और 700 GB का हम स्टोरेज डाटा के लिए बनाते हैं। तो 300 GB के लिए नॉर्मली 30 2400 होता है, बट हम 300 डायरेक्ट ले लेते हैं, 300 3 0 और एक्स्ट्रा लिखते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको पूछेगा ऑप्शन, ओके यस करना, ओके करना है या कैंसिल करना है। तो हमें ओके करना होता है क्योंकि हमें क्रिएट करना होगा। तो और दो फोल्डर एडवांस में बन जाते हैं, जो कि बूट लोडर होता है और एक रिकवरी के लिए होता है। और जो 700 GB बच जाता है, हम ऐसे ही न्यू क्रिएट करके अप्लाई कर देते हैं और उसको फॉर्मेट यहाँ पर ज़रूर कर देना है, क्योंकि फॉर्मेट कर देंगे आप तो ये इसलिए बेस्ट होता है कि आप मैनेज में जाने में दिक्कत ना हो, वहाँ पे फॉर्मेट करने की जरूरत ना पड़े। और फर्स्ट हम 300 GB सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट होने के बाद कुछ टाइम लगेगा, इसको हम फास्ट फॉरवर्डिंग कर देते हैं क्योंकि इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं इंस्टॉलेशन होने में। तो आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सॉल्यूशन हो रहा 93% हो चुका है और आगे भी कुछ टाइम लेगा, 94 95 हो रहा है, कुछ और प्रॉपर होता रहेगा। इसमें अगर एरर ना आए तो कंटिन्यू होता रहना चाहिए। तो हमारा 98% हो चुका है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम इस बीच में पेन ड्राइव में निकाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लगा के रखेंगे कि छोटी मोटी फाइलें मिसमैच ना होने पाए। तो इंस्टॉलेशन अपडेट चल रहेगा थोड़ी देर में। इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन अपडेट हो रहा है, कुछ इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए हम होल्ड करके रखेंगे और इसमें कोई छेड़छाड़ ना करेंगे।
अब हमारा सिस्टम रिस्टार्ट के लिए ऑप्शन देता है, या तो स्टार्ट नाउ क्लिक कर दें या तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने दें और हम अपना पेन ड्राइव निकाल दें, रिसेट कर दें। क्योंकि अगर पेन ड्राइव हमने नहीं निकाला तो फिर से बूट होना शुरू हो जाएगा, तो पेन ड्राइव हम इंसर्ट कर देते हैं, फिर इंस्टॉलेशन शुरू होता है। और यहाँ पे हमें कोई छिड़काई नहीं करनी है, ना कोई बटन दबाना है, ऑटोमेटिकली सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएंगे। टाइम लेगा यहाँ पे कुछ कम से कम 10 से 15 मिनट भी लग सकता है, और वो सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा, तो हम वेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे फास्ट फॉरवर्डिंग कर देते हैं कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट कर सकें। फिर से स्टार्ट होगा हमारा सिस्टम, फिर हम फर्स्ट ऑप्शन हमारा विंडोज लोगो ऐसे खुल के 11 में आता है। हमें यहाँ पे ध्यान से करना है, हमें पहले अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, जो कि हमारा कंट्री है इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करेंगे, यस कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा कीबोर्ड सेलेक्ट करने का, तो हम कीबोर्ड इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे और यस कर देंगे, यूएस ना करेंगे, सेलेक्ट करके यस करते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कीबोर्ड चाहिए होगा तो ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहिए होगा हमें तो स्किप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा, क्योंकि कई सारे लैपटॉप में ऐसे भी होते हैं कि शो करता है, किसी किसी में शो नहीं करता। तो इस कंडीशन में या तो आप टेम्पररी वाईफाई कनेक्ट करें, हॉटस्पॉट फोन का हुआ, या तो यूएसबी से कनेक्ट करके इंटरनेट कनेक्शन कर लें, क्योंकि आप कनेक्ट करेंगे तो फिर नेक्स्ट करने के बाद आपकी, जब तक आप वाईफाई बंद ना करेंगे तब तक आपका यूज़र क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्रिएट करने के लिए मेल आईडी पूछेगा। तो आप अगर इंटरनेट कनेक्शन हटा सक देंगे तो वो मेल आईडी ना पूछेगा। तो कनेक्ट होने के बाद कुछ टाइम लगता है यहाँ पे, और जब कनेक्ट हो जाता है आपका वाईफाई तो नेक्स्ट का ऑप्शन शो करना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, कुछ टाइम लेता है, चेकिंग फॉर अपडेट होता है, जो भी कंडीशन होते हैं उसमें भी फॉर करके, और कुछ टाइम लेता है, जस्ट ए मोमेंट का ऑप्शन आते हैं और आगे बढ़ता रहता है। तो वेट कर लेते हैं हम। वेलकम लिख के आ गया हमारा सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए हमें ये पूछ रहा है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करके स्किप कर देते हैं, और हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे अभी हमने इंटरनेट कनेक्शन ऑन करके रखा है, लैपटॉप में कनेक्टेड है, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का मेल आईडी पूछ रहा है, बट हमें मेल आईडी नहीं डालना है, क्योंकि आप मेल आईडी डालोगे तो जितने भी आप डाटा कॉपी पेस्ट जो भी रीड राइट करते हो आप, तो आपका सारा डाटा माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्वर पे चला जाएगा। तो हमें ये ना करके वाईफाई डिसकनेक्ट करके बैक कर देंगे। बैक करते हमें यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे देता है, हम वहाँ पे अपना जो भी यूज़र बनाना है यूज़र बना सकते हैं, पासवर्ड जो डालना है डाल के नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको या तो स्क्रॉल करके ऊपर कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट हमें कुछ टाइम देता है, कम से कम 2 से 3 मिनट लेगा टाइम। उसके बाद हाई का ऑप्शन आता है, गेटिंग ऑप्शन देने लगते हैं। उसके बाद कुछ टाइम लेगा, ग्राफिक के लिए इंस्टॉलेशन होगा, कुछ 5 मिनट का ऑप्शन देता है, हम वेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट देन हो चुका है, हमें अपना डेस्कटॉप देखने को मिला, बट इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारा दिस पीसी और कंट्रोल पैनल या कोई दो चार ऑप्शन और आते हैं इंटरनेट का फोल्डर, वो शो नहीं करता। तो इस चीज़ के लिए हमें अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके और परफॉर्मेंस में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं इस टाइम ले रहा है, हाँ इसमें हम थीम्स में जाएंगे,
थीम्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें सब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, देखेंगे नीचे ऑप्शन देता है, इसके नीचे, हाँ इसके नीचे हम जाएंगे, देखेंगे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग देता है ऑप्शन, उस पर सेलेक्ट कर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें ट्रिक करने के लिए ऑप्शन देता है, तो हमें जो चाहिए होगा उस पर क्लिक करके ओके कर देते हैं और इसको क्लोज करते हैं। हमारे डेस्कटॉप पे दिस पीसी और शो करने लगा। अब हम इसको ओपन करते हैं दिस पीसी को, देखते हैं हमारा एक ड्राइव शो ही नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में हमें अपने दिस पीसी के राइट क्लिक करते हैं, मैनेज में जाते हैं। मैनेज में जाने के बाद हमें यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में आता है ऑप्शन, इस पर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते हैं कुछ टाइम देता है और यहाँ पे हमें जो ड्राइव शो नहीं कर रही थी वो विदाउट नेम का शो दिखता है यहाँ पे। तो हमें उसको शो करने के लिए राइट क्लिक कर देंगे, उस पर चेंज डिवाइस चेंज ड्राइव करके होगा ऑप्शन, और यहाँ पे फिर ऐड का ऑप्शन आता है, ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है। अगर दूसरा नाम चेंज करना होगा सर आपको तो सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और क्लोज कर देंगे। आपका दिस पीसी ओपन करेंगे तो उसमें आपका जो ड्राइव है शो करना शुरू कर देगा। थैंक यू वेरी मच।